शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दमघोटु साबित हुई। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर खतरनाक के पार पहुंच गया। शुक्रवार सुबह दिल्ली के अशोक विहार में एक युवाई 464, चांदनी चौक में 371, द्वारका में 472, मंदिर मार्ग में 466 और आईजीआई एयरपोर्ट पर 458 दर्ज किया गया। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 116 में एक यूआई 920 और सेक्टर 62 में 904 था। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक यूआई 617 तक पहुंच गया। दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर लगे बैन के बाद भी लोगों ने पटाखे चलाए, जिसका असर शुक्रवार सुबह को साफ दिखा। बढ़ते प्रदूषण स्तर के साथ ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत, गले और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें पेश आ रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रविवार तक हालात में बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही पराली का धुआं भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। 6 नवम्बर तक इसके और बढ़ने की आशंका है। दरअसल दिल्ली में दिवाली की रात से पहले ही वायु प्रदूषण का असर दिखना शुरू हो गया था। गुरुवार सुबह ही हवा का स्तर खराब होकर 663 एक यूआई पर पहुंच गया था। जानकारों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 4 से 6 नवंबर तक दिवाली के पटाखों के प्रदूषण के अलावा पराली का प्रदूषण भी 20 से 38% तक असर दिखा सकता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अपने स्तर से तमाम प्रयास करने के दावे किए। सरकार ने पराली को जलाए जाने से रोकने के लिए एक खास किस्म के घोल का छिड़काव कराया, साथ ही दिल्ली में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर बैन लगा दिया था। बावजूद इसके शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई। 400 से 500 के बीच एक यूआई का होना गंभीर माना जाता है। दिल्ली में सुबह के समय भी एक यूआई 999 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी के उच्चतम स्तर का भी दोगुना है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दमघोटु साबित हुई। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर खतरनाक के पार पहुंच गया। शुक्रवार सुबह दिल्ली के अशोक विहार में एक यूआई 464, चांदनी चौक में 371, द्वारका में 472, मंदिर मार्ग में 466 और आईजीआई एयरपोर्ट पर 458 दर्ज किया गया। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 116 में एक यूआई 920 और सेक्टर 62 में 904 था। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक यूआई 617 तक पहुंच गया। दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर लगे बैन के बाद भी लोगों ने पटाखे चलाए, जिसका असर शुक्रवार सुबह को साफ दिखा। बढ़ते प्रदूषण स्तर के साथ ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत, गले और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें पेश आ रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रविवार तक हालात में बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही पराली का धुआं भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। 6 नवम्बर तक इसके और बढ़ने की आशंका है। दरअसल दिल्ली में दिवाली की रात से पहले ही वायु प्रदूषण का असर दिखना शुरू हो गया था। गुरुवार सुबह ही हवा का स्तर खराब होकर 663 एक यूआई पर पहुंच गया था। जानकारों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 4 से 6 नवंबर तक दिवाली के पटाखों के प्रदूषण के अलावा पराली का प्रदूषण भी 20 से 38% तक असर दिखा सकता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अपने स्तर से तमाम प्रयास करने के दावे किए। सरकार ने पराली को जलाए जाने से रोकने के लिए एक खास किस्म के घोल का छिड़काव कराया, साथ ही दिल्ली में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर बैन लगा दिया था। बावजूद इसके शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई। 400 से 500 के बीच एक यूआई का होना गंभीर माना जाता है। दिल्ली में सुबह के समय भी एक यूआई 999 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी के उच्चतम स्तर का भी दोगुना है। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।